आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द प्रॉब्लम इज दैट तो हमें इस कंप्लीट की जो है वैल्यू बतानी है। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो दैट सबसे पहले तो मेरे पास है अंडर रूट 0.125 और इसकी क्यूब रूट है, ठीक है। इट मींस 125 को तो हम क्या लिख सकती हूँ, 125 और अपॉन में मैं लिख सकती हूँ दैट यहाँ पे 3 के पास 0, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 और इसकी मेरे पास क्या है, पावर है 1/3, ठीक है। प्लस मेरे पास है अंडर रूट के अंदर 64 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.64 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ बाय 100 और इसकी जो है पावर जो है रूट है, इट मीन्स 1/2 है, ठीक है। फिर इसको मैं लिख सकती हूँ दैट 5832 डिवाइडेड बाय हो गया 1000 और इसकी पावर भी मेरे पास कितनी है, 1/3 है। एंड प्लस में लिख सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 डेसिमल रख लिए, यहाँ पे मेरे 1 के बाद जो है 4 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ सो दैट मुझे पता है कि 125 जो होता है मेरे पास, 5 की क्यूब जो होती है वो मेरे पास होती है 125, ठीक है। 1000 जो होगा उसे मैं लिख सकती हूँ दैट 10 की क्यूब, ठीक है। 64 को मैं लिख सकती हूँ 8 का स्क्वेयर एंड 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वेयर एंड 5832 को जो है वो मैं लिख सकती हूँ 18 की क्यूब और यहाँ पे मेरे पास है 1000, तो इसको मैं लिख सकती हूँ दैट 10 की क्यूब। 9 को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 9 है ना, इसकी पावर है मेरे पास 1/2, तो क्लियरली 9 को मैं लिख सकती हूँ दैट 3 का स्क्वेयर और ये मेरे पास जो 10,000 है इसको मैं लिख सकती हूँ 100 का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हम लोग पुट कर लेते हैं, सो दैट क्लियरली मैं यहाँ पे पुट करूंगी सो दैट मैं इसको लिख पाऊंगी 5 एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 10 प्लस मेरे पास होगा 8 बाय हुआ 10 प्लस मेरे पास होगा 18 एंड बाय में मेरे पास फिर हुआ 10, नेक्स्ट मेरे पास होगा इसको मैं लिख सकती हूँ 3/100, ठीक है। सो क्लियरली ये मेरे पास होगा 0.5 प्लस 0.8 प्लस 1.8 प्लस 0.03। सो अब हम इन सबका क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो क्लियरली मैं इन सबका ऐड करूंगी तो दैट वो मेरे पास होगा 0.5, फिर 0.8 है, फिर 1.8 है, फिर है मेरे पास 0.03, तो दैट यहाँ मेरे पास हुआ 3, यहाँ मेरे पास होगा 1, 2 मेरा कैरी होगा दैट इज इक्वल टू 3। सो क्लियरली मेरा यहाँ से जो फाइनल आंसर निकल के आया दैट 3.13, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन में देखूँ सो दैट ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।